एक तरफ हो दुनिया सारी, एक तरफ हो सूरत तेरी है। क्या शुरू है? धड़कते हुए दिल और सुनते हैं गानों का सफर। मगर सलाम तो जी, आज वापसी का टाइम 70 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह 5:50 पे फ्लाइट है और 1 बज गया, तो आधे के घंटे तक निकलेंगे इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के। और फिर थोड़े शायद इमोशनल सीन हो जाए तो फिर आपको वहाँ से भी दिखाएंगे। ले आया अपने बच्चे, ले आया और निकी रहेगी फातिमा। जब आप बड़ी होंगी ना, आप देखना कि आप छोटी होते कैसी होती। ओके, मेहनत करो और ज़िंदगी जियो अपनी इंशाल्लाह। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। चले जी, बाकी श्रीलंका एयरलाइन से आए थे, श्रीलंका एयरलाइन से ही जाना पड़ेगा, रिटर्न टिकट थी। तो अब आपको रास्ते में दिखाएंगे, थोड़े एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से थोड़े फैमिली मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको थोड़ा एयरपोर्ट का व्यू आपने पहले भी देखा हुआ है। फिर जाना हमने श्रीलंका, वहाँ 2 घंटे का स्टे और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जितने दिख होती है उतने आँख लोती। तो आदि आपने कुछ कहना है? नागवाद में साफ कर लेना। चाचू को कुछ कहना है? चाचू कैसे हैं? आदि मम्मी आपने कुछ कहना? क्या आपने कुछ कहना चाचू को? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे, इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे, बोलो। चलो उस तो पहले मैं निकला। चलो आदि नहीं, चले जाओ। चलो चल गए जा रहा चाचू, चल गए। चलो गुड बाय। तो ये एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब अंदर जाते हैं। थोड़ा अभी टाइम है, थोड़ी देर बैठेंगे, गर्मी काफ़ी है आज लाहौर में। तो फैमिली शैमिली साथ ही, अब्बा जी, अम्मा जी, बड़े भाई। तो भाई यह सफ़र है, जिन्हें आना उन्हें जाना है। आगे पीछे फेर रहे हैं, घड़ी दे देगा जी डॉक्टर साहब। फिर की मामला ने कैसा फील कर रहे हैं, मैंने भेज के डॉक्टर साहब। यकीन जानो खुशी है, मुल्क के हालात जेड़े है थोड़े सामने है, अल्लाह ताला मुल्क की इस्तकामत ले आए। खैर ना जाओ, मेहनत करो अपनी, कोशिश करो इंशाल्लाह अच्छी। अल्लाह ताला मालो दौलत दे दे, आना जाना कड़ा मुश्किल, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब तुसी कुछ कहना चाहो? खैरियत ना जाओ, खैरियत ना जाओ, खैरियत ना जाओ, घड़ी दे। माँ जी को भी जरा पूछ, बाद में पूछेंगे। माँ जी ये बेरोज़गार है, मामा ने इसकी वैल्यू जो है वो नहीं किया जा सकता इसको, इसमें बिल्कुल जो एक ऐसा रिश्ता है। अल्लाह माँ को सलामत रखे। माँ इंशाल्लाह तेरा बड़ा पुत्र रहते हैं, छोटा पुत्र रहते हैं इंशाल्लाह। तो जी रह गए तकरीबन 40 मिनट जहाज़ उड़ने में, तो हम वेट कर रहे हैं उसका। भूख लग गई है, रोज़े का पता नहीं क्या सीन होगा जहाज़ में, देखते हैं। बाकी मुसाफिर आते हैं, मुसाफिर जाते हैं। हाय बेगम परेशान नहीं होना, मैं जल्दी आ रहे हैं तो आगे फिर ब्याह शाह करेंगे। तो अम्मी अबू से कहूँगा, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। देखिए मेरे लिए भी मुश्किल था, आई एम वेरी इमोशनल, आप सब जानते हैं। सो इवन इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम वीपिंग, यू नो। ओए बाप, मैंने कहा पता नहीं वो रोज़ा कब खुलना जहाज़ में, तो थोड़ा बर्गर शर्गर ले लेते हैं, अंदर जाके खा लेंगे, तो देखते हैं। पाकिस्तान वालों,
टाटा, मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह। सॉरी इस वजह ना मैं जिन लोगों को टाइम नहीं दे सकया अच्छी तरह, उन्होंने नेक्स्ट टाइम से थोड़ा मंगनी निकाह के दिन ज़ाया हो गए, ज़ाया नहीं मतलब यूज़फुल डे से थोड़ा मसरूफ था इसलिए टाइम नहीं दे सका, तो इंशाल्लाह आपको अगले वन टाइम। शुक्रिया। लो जी जहाज़ लैंड, सॉरी जहाज़ उड़न लगा जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है जहाज़ तो काफ़ी घटी है, तो श्रीलंका जाके अगले जहाज़ में आपको बताएंगे क्या सीन है, ख्याल रखिएगा। इतना फजूल जहाज है, सीटा ना जहाज के यार भाई रोजे खुलने का टाइम हो गया, मैं वाशरूम में आके बोल रहा हूँ क्योंकि नाला मुंडा ना बेचारा पता नहीं कितना इंज हो गया बेच रहे, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, उसको मैं समझा नहीं पा रहा, तो आप कोलंबो जाके देखते। नहीं नहीं भाई जी आ गया, रोटी आ गई चिकन विथ राइस एक्स्ट्रा। तो जी भाई आपका कोलंबो पहुंच चुका है श्रीलंका जहाज़ में। खैर मैंने रोज़े के लिए वहां से लिया सैंडविच, तो मैंने सोचा कि वहां जाके रोज़ा इफ्तार कर लूँगा, आधे घंटे बाद हो जाना, तो मैंने उसको बोला कि गर्म करके ले आना, वो समझी मैंने बोला बिन में फेंक, आई वॉज़ वेटिंग। खैर उन्होंने मील दिया लेकिन आई वॉज़ वेटिंग, और बाद में पता चला, कहती आपने तो कहा था बिन में फेंक दो, मैंने कहा हैं अच्छा, तो भाई उसने वो वहाँ फेंक दिया, फिर एक्सक्यूज़ करती रही कुछ चाहिए, मैं कहा फिर कुकीज़ ले आओ जूस लेती है वो, खैर मौसीकी चलती रही। तो भाई जी श्रीलंका पहुँच गए, अम्मी अबू आई मिस यू, और बेगम को तो ऑफ कोर्स। तो जी अगले गेट पे आ गए हैं, यहाँ से मेलबर्न वाला जहाज़ पकड़ना है, तो फिर इंशाल्लाह 10 घंटे की फ़्लाइट है, और फिर मियाँ साहब के पास जा रहे हैं। अरे आई कॉन्ट वेट टू सी मियाँ, मियाँ साहब आ रहे हैं, और हाँ अब मैं ठीक हूँ। दोनों साइडों से बुढ़िया आ गई हैं, तो समझ नहीं आ रही, तो वाह वही बुढ़िया आ गई हैं, कितने बह गया मैं। दोनों बुढ़िया लागे बह गए हैं, दोनों इंग्लिश नहीं आती, तो वजह नाल उन्होंने जबान है कार्ड से डिक्लेयर करना होंगे की लैके जा रहे हो, उन्होंने इंग्लिश नहीं आती, मैं उन्होंने जबान नहीं जानता, बड़ा मसला चल रहा है की करिए। तो एक सोनी कुड़ी मेरा मतलब कोई अच्छा लड़का ही पै जाता ना। तो जी हम लैंड कर चुके हैं मेलबर्न एयरपोर्ट पे, और यूँ सफ़र ख़त्म हुआ। अरे बड़ी लंबी फ्लाइट है, मुकन च नहीं आती। खैर अब बैग क्लेम करेंगे, और फिर मियाँ साहब बिजी हैं, तो मती साहब हमें आएंगे उठाने, तो यही सिलसिला है। तो जी यहाँ से आना होता आपने बाहर, इधर से ये याद कर लो मेलबर्न एयरपोर्ट पर निकलना क्या, ठीक है अब यहाँ से आपने सीधा जाना है, सीधा सीधा वेरी इजी,
सीधा बाहर जाए सीधा। बैग बहुत लेट मिला, पति साहब वेट कर रहे होंगे। आई एम सॉरी पति साहब। यहाँ से एग्जिट ले लेना आपने, अगर तो आपने ऊपर पे जाना है तो यहाँ से जाना है, कोई लेने आया हुआ तो दूसरी तरफ। हा हा हा, ये सारा ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, वो दूसरी तरफ से लोग भी करते हैं। कभी ऐसी बाहर खलोते होते हैं सवारी चुकना से, आज ऐसी इधर हाँ। आई नीड टू बुक एन उबर। वेल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर इन मेलबर्न, सेम लाइक रेनी, अ लिटिल बिट सनी। तो मेलबर्न के मौसम की बात ही कुछ और। अभी रिमझिम हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी। सो इट्स गुड, इट्स नाइस, आई लाइक मेलबर्न वेदर। मिसेज भी कर लेंगे, सीधा सीधा है भाई, वहाँ से भी निकल सकते हैं आप सीधा। आपने क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ आ जाना अगर आपको कोई पिक करने आ रहा है तो। के सामने एक मिनट की पार्किंग है, यहाँ से आपको एक मिनट में पिक करना होगा। ओ मती साहब कितने रह गए हो, वेट कर कर उमरा लांगी हाँ। आए आ जा मियाँ, होंगे ना वेट ना करा, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। एक्सक्यूज मी, अपना आ गया ड्राइवर। कैन यू प्लीज ओपन द बूट। लो जी मती साहब ने चुक लिया, मियाँ साहब आ नहीं सके मसरूफिया से। मती साहब तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक बड़ी शख्सियत ना मिल गई? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, निकाह करा के आए ना, खूबसूरत चेहरा। चलो ठीक हो गया। तो जी एज यूजुअल बारिश हो रही है मेलबर्न च, घंटे बाद धुप आ जानी है। दिस इज हाउ मेलबर्न इज। इंशाल्लाह बेगम को भी पसंद। तो मतलब सब आपकी बेगम को पसंद आएगा मेलबर्न? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अच्छा कंट्री है, अच्छा पसंद है। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, निकाह करवा गए माशाल्लाह, फ्रेशली निकाह और अगले दिन फ्लाइट। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो भाभी ठीक ठाक है, उनको बता दिया कि मुझे पिक कर लिया? हाँ जी हाँ जी बता दिया। चलें ठीक, भाभी को व्लॉग दिखाए ना, आप भी व्लॉगों में हैं? जी 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 बिल्कुल, लिंक सेंड किया मैंने, लिंक सेंड की, सब्सक्राइब करवाएं और वॉच टाइम दें हमें। तो मती साहब जी बड़े अच्छे, आप जानते ही होंगे व्लॉग्स में पहले भी आते रहे मेरे साथ। तो मैं कहा जरा मेहरबानी है चौक लो मियाँ साहब मसरूफ ने, उन्हें क्या कोई चक्कर नहीं। तो ऊबर वाली राइड का मजा लै रहे हैं। लो जी फिर ख्याल रखो, बल्कि हल्की जी तुम इफ्तारी भी खावे फिर व्लॉग दे एंड करें। हाय दोबारा मेलबर्न आ गया, ओए टेंशन कम होए बड़ी हो गई, यशी हैं बड़ा हो गया रेस्ट। एक तो मेरे नाल इधर भी बुढ़ी माई चेन्नई दी, इधर बुढ़ी श्रीलंकन दी। मैं उस औरत को बोला कि भाई आप इधर हो जाए, दोनों औरतें इधर इकट्ठी हो जाए, मैं ज़रा सेपरेट। उन्होंने कहा नहीं मेरी नी प्रॉब्लम है, सेंटर च फिक्स हो गया भाई, जो कितने को मसला आना मेरी यह चाल नहीं दे, मैं फिल्म ला दे। मैं सोया यस, मैं कांट अंडरस्टैंड लैंग्वेज इंग्लिश अन्ना को मगर करना, मैं कितने पा सकें। फिर थोड़ी देर सोवा, फिर चार्जिंग देर, और मैं क्या वाड़े के मैं कितने पा सकें भाई, को तो आज सारी नींद खराब की थी। है चलो मदद करनी अच्छी चीज़ है, लेकिन है कि सफ़र थोड़ा, मैं कोई टीटो पार्टी भी नहीं ला सकया ना कुछ ब्लॉग बना सकया, मैं क्या ना बुढ़िया नहीं कहना रहेगी। खैर भाई उनको डिक्लेरेशन फॉर्म इंग्लिश दे देता है, इंग्लिश आती नहीं उन्होंने, वो की लिखन। एयरपोर्ट जी श्रीलंकन एयरलाइन का ये काम है कि भैया अपनी लैंग्वेज में दें, वो होते हैं ना डिक्लेरेशन फॉर्म हर लैंग्वेज में, उसमें दें। उनको समझ तो आए, उनको पता ही नहीं लग रहा क्या चक्कर है क्या नहीं, मैं फेल कर करके देते ना। चल अल्लाह याद रखेगा ना नहीं किया। पाकिस्तान च इन्नी गंदी ट्रैफिक है, पर सानू ऐ ट्रैफिक भी कबूल, बिजी टाइम चल रहा ना, पीक टाइम है ट्रैफिक, लेकिन देखिए हर चीज़ धुल गई है बारिश से। आह हाँ ठंडिया हवावान,
की याद करेंगे बेगम, ताज़ा खुली ठंडी हवा आ जाएंगी, और की चाहिए। पाकिस्तान भी लव है पर एक बार आओ तो सही। मियां साहब आज हम इफ्तारी पे आए हैं घर पे। यार आज दिल खुश हो गया, तसव्वुर तू आ गया यार, यही बारे ऐसे कितने बंदे ने इफ्तारी। यार 11-12 बंदे ने, कसम डर बड़ा ज्यादा मेरे बंदा लग बंदा। और रोटी काटे शायद ना कोई तो बंदा बहुत आवे ने। तो ये मियां साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, इनके घर पहुंचे हैं तो अभी देखते हैं कि मियां साहब किधर है। ये मियां साहब का घर है, थोड़ा बुलाते हैं उनको। ओए मियां तसव्वुर किधर रह गया यार तू, तसव्वुर ये था कि चलो जाके मियां नहीं होना, तो डेट वाज सम हो कंफर्टेबल। कोई टेंशन नहीं तूने लेनी, मैं इधर ही हूं। एक टेंशन ही ना, नहीं दूसरा बड़ा गोश नहीं खाना। हाँ। तो मियां साहब आज इफ्तारी है, तो आज इंतजाम बस हम चलते हैं, बस ये देखें दोस्तों की तरफ इफ्तारी है ना। हाँ जी, तो उधर जाएंगे आपको वो दिखाएंगे। चलें मियां साहब, इंशाल्लाह कल से व्लॉग को कुछ आगाज करते हैं, इधर जेट लैग चल रहा है जी सर। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मियां साहब ये क्या है? ये वीआईपी चीजें। ओके, पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं जी। तो फैज साहब आप कैसा फील कर रहे हैं मुझे देख के? आपको देख के खुशी हुई है। खुशी हुई है, मुबारक भी दी आपने हमें। आते साथ में मुबारक दी आज। अच्छा, पहले भी मैं। मियां साहब ये गुजरातियों के बारे में क्या ख्याल है? यार गुजराती ठीक है लेकिन है सारे एजेंट फ्रॉश।